नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने गार्डनिंग चैनल वर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और आज हम बात करने वाले दोस्तों बटन रोज़ प्लांट की केयर के बारे में। तो मेरे पास ये अभी दो बटन रोज़ प्लांट है और दोनों में ही आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है इस वक्त आई हुई है, और नए नए फ्लावरिंग बर्ड्स भी काफ़ी सारे आप देख पा रहे होंगे। तो आज इस प्लांट की केयर से रिलेटेड जितनी भी टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो बटन रोज़ प्लांट है ये बेसिकली एक रोज़ प्लांट ही होता है, लेकिन क्योंकि इसका फ्लावर साइज़ जो है वो काफ़ी छोटे छोटे फ्लावर इसके होते हैं, इसलिए भी इसको बटन रोज़ या मिनिएचर रोज़ इस प्लांट को जो है कहा जाता है। तो इसकी केयर से रिलेटेड सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं दोस्तों, इस प्लांट को आप जब कभी भी लगाएं तो आपको इसको ऐसी लोकेशन पे लगाना है जहाँ पे इसको कम से कम 6 से 8 घंटे सनलाइट जो है डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को मिल पाए, क्योंकि इस प्लांट को सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और 6 से 8 घंटे अगर इसको सनलाइट जो है नहीं मिल पाती या सूरज की धूप जो सीधी सीधी इस प्लांट को नहीं मिल पाती है तो ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करना बंद कर देता है या इसकी ग्रोथ पे भी जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ऐसी जगह पे आपको अगर पोट में भी लगा रहे तो ऐसी लोकेशन पे आपको इस उस पोट को रखना है, या गार्डन में भी लगा रहे तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 6 से 8 घंटे इस प्लांट को सनलाइट मिल पाए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों तो बात कर लेते हैं इसके पोटिंग सॉइल मिक्स की। तो इस प्लांट का पोटिंग सॉइल मिक्स जब भी आप बनाएं तो आपको ध्यान रखना है एक हिस्सा सैंड रिवर सैंड या रेत जो है वो ले लीजिए, दो हिस्सा गार्डन सोइल और एक हिस्सा कंपोस्ट जरूर आप ध्यान करके इस प्लांट के पोटिंग सोइल मिक्स में रखिए, क्योंकि ये प्लांट जो है फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा करता है और इस ये हैवी फीडर प्लांट है, इसको जो है फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो अगर आप कंपोस्ट रखते हैं तो पोटिंग सोइल मिक्स से भी इसके जो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट इस प्लांट को चाहिए वो पोटिंग सोइल मिक्स से भी ये पिक कर सकता है। उसके बाद आप महीने के अंदर एक बार इसके अंदर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और हर 15 दिन के बाद में 1 चम्मच DAP या NPK 1 लीटर पानी में मिला के लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे इस प्लांट को दे सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये दरअसल यहाँ पर एक स्टेम निकला हुआ था और ये एक सकर स्टेम था। सकर स्टेम क्या है वो ज़्यादा जानने के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पर बेसिकली सकर स्टेम क्या है दोस्तों, जो ये आप देख पा रहे हैं ये बड़ी यूनियन है जहाँ पे जहाँ से ऊपर जो ब्रांचेज निकली हुई है वो रेगुलर ब्रांचेज है, इनसे फ्लावरिंग भी होगी, इनसे फ्लावर भी निकलेंगे, लेकिन जो ये नीचे जो स्टेम जितने भी निकलते हैं ये सकर स्टेम है। और सकर स्टेम की खासियत होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करता है और इसके अंदर लीव्स काफ़ी कम आते हैं, लेकिन प्लांट के जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट है ये जो है लेना शुरू कर देता है पोटिंग सोइल से, और जो प्लांट मेन प्लांट जो है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते तो धीरे धीरे जो है रोज़ प्लांट मर जाता है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस चीज़ का दोस्तों कि सकर स्टेम को टाइम से टाइम आपको प्रून करते रखना है, करते जाना है। तो लेकिन प्रूनर जब भी आप ले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रूनर को फॉर्मेल्डिहाइड या रबिंग एल्कोहल से आप साफ़ ज़रूर कर लीजिए एक बार, क्योंकि इस प्लांट के अंदर जो है फंगस काफ़ी बड़ी जल्दी इस प्लांट के अंदर लग जाती है। बटन रोज़ प्लांट को दोस्तों एक रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो आप इस आपको ऑब्जर्व करते जाना पड़ेगा कोई ब्रांच जो है इसकी, अगर कोई पुरानी ब्रांच हो चुकी है जिसमें कि अभी फ्लावरिंग आनी बंद हो चुकी है, या फिर जो लीव्स इसके कोई कुछ ऐसे देख पा रहे हो कि जिनमें डिस्कलरेशन आ गया हो किसी वजह से, तो उनको ऐसे आप पिंच करके जो है प्रून कर सकते हो, या फिर प्रूनर की मदद से जो उस ब्रांच है उस ब्रांच को भी जो है आप प्रून कर सकते हो। रेगुलर प्रूनिंग से इस प्लांट के अंदर जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी प्रूनिंग की वजह से इस प्लांट के अंदर ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्लांट को जो है बीच बीच में प्रूनिंग जो है रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्लांट के अंदर जब कभी भी कोई फ्लावर जो है उसकी मियाद पूरी हो चुकी हो और जो फ्लावर जो है मुरझाना शुरू कर दे या सूखना शुरू कर दे, तो उस फ्लावर को आप टाइम टू टाइम जो है पिंच करके इस प्लांट से अलग ज़रूर करते जाइए, क्योंकि अगर फ्लावर जो है पूरा पूरा इस प्लांट के ऊपर पूरा ड्राई हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कुछ फ्लावर है जो मैं टाइम से पिंच नहीं कर पाया, तो उससे इस प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी भी फ्लावर को इस प्लांट के ऊपर आपको पूरा पूरा नहीं सूखने देना है, उससे पहले ही आप या तो हाथ से भी पिंच करके उसको प्लांट से अलग कर दीजिए या प्रूनर की मदद से इस प्लांट से जो है अलग करते जाना है। ड्राई जो फ्लावर हो, सूख चुके हों, जो फ्लावर जो मुरझाना शुरू हो गए हों, तो उससे अगर ऐसा आप करते तो इस प्लांट के अंदर जो है फ्लावरिंग थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इसकी एक रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी है जो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा मल्चिंग भी आप इस प्लांट के अंदर कर सकते हैं। मल्चिंग बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो ड्राई लीव्स है उससे आप पोट की जो है मिट्टी है उसको कवर कर सकते हैं। धीरे धीरे जो ये सूखे हुए लीव्स है वो डिकम्पोज होकर इस प्लांट को न्यूट्रिएंट देते रहेंगे और इसके पोटिंग सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को भी
लॉस होने से बचाता है मल्चिंग। तो मल्चिंग जो है इस प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस प्लांट के अंदर पानी कितना देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्लांट को जो है हल्का सा मॉइस्चर इसके पोटिंग सोयल मिक्स में पसंद है, तो आपको इतना पानी देना है कि इसकी मिट्टी जो है हल्का सा गीली रहे और बिल्कुल ही ड्राई पोट को नहीं होने देना है किसी भी कंडीशन में। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा अगर आप वाटरिंग इस प्लांट के अंदर कर देते हैं तो इसमें रूट रोट बड़ी जल्दी हो जाता है और फंगस लग जाती है इस प्लांट के अंदर। तो आप फिंगर से टच करके देख सकते हैं, हल्का सा जब ऊपर की सोयल टॉप सोयल जो है थोड़ा सा ड्राई हो तो ही नेक्स्ट वाटरिंग कीजिए, लेकिन बिल्कुल ही पोट ड्राई हो जाए ऐसा भी नहीं हो। तो ये था आज का केयर वीडियो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ इस अगर आप नए व्यूअर हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इसी तरह के प्लांट से रिलेटेड और गार्डनिंग से रिलेटेड जो है वीडियो रेगुलरली अपलोड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।